नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों के। लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश द्वारा आज भोपाल के पलास होटल में प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें उन्होंने बंगाल में हो रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार पर चिंता जाहिर की है और ममता सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। 25 जून 1975 के रात के 12 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने संपूर्ण देश में आपातकाल लगाया। आपातकाल लगा करके विरोधी दल के सारे लोगों को जेलों में डालने की व्यवस्था की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, जमात इस्लामी, आनंद मार्ग, ऐसे 6 संगठनों पर उन्होंने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के आड़ में अपने सारे विरोधियों को जेल में डाल दिया। संपूर्ण देश में लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग जेल में रहे। मध्य प्रदेश में 8,500 लोग जेलों में रहे। ये मीसाबंदी के रूप में जो व्यक्ति मीसा में जाए या मीसा में पकड़ कर जबरदस्ती बंद करे, उनकी कोई दलील नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई वकील नहीं, इस प्रकार से काला दिवस के रूप में संपूर्ण देश में और इमरजेंसी थोपा गया। प्रजातंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई। कोई व्यक्ति अगर हत्या कर दे तो वो समझ लीजिए 20 साल की सजा है उसको। कोई अटेम्प्ट मर्डर में जाए उसको 7 साल की सजा है। लेकिन वीसा बंदी जिसने कुछ नहीं किया उसको कितने महीने कितने साल जेल में रहेंगे इसकी कोई जानकारी किसी को रही नहीं। और सीधे सीधे इंदिरा गांधी ने उसकी कोई जानकारी ना देते हुए और प्रत्येक व्यक्तियों का जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार को उन्होंने छीन लिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जो है जिसमें बंदी को प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है, वो भी समाप्त कर दिया। एक काला अध्याय शुरू हुआ, अत्याचार की पराकाष्ठा शुरू हुई। अब वो अत्याचार अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो पूरी दिन और रात कम पड़े उसके लिए। इस प्रकार से अत्याचारों को सहते हुए आंदोलन भी हुए, आंदोलन करके भी जेल में लोग गए और 21 मार्च 1977 में इस देश में मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 21 मार्च 1977 के रात के 12 बजे मीसा कानून को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया गया और देश में नया सूर्योदय हुआ, प्रजातंत्र की बहाली हुई और इस देश में नई सरकार बनी। तब से लेके आज तक हमारे जो लोकतंत्र सेनानी संघ है, जो लोग मीसा में गए थे, लोकतंत्र सेनानी का मतलब क्या है, ये लोकतंत्र के रक्षार्थ जिन्होंने काम किया वो सारे के सारे लोकतंत्र सेनानी हैं। उसी तारतम्य में लगातार हम लोग 25 जून को काला दिवस के रूप में हम उसको संपन्न करते हैं। आप लोगों में से अनेक लोग ऐसे हैं जिनका जन्म 1975 के बाद हुआ, आपको भी याद रहे। और उस समय विशेषकर पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए। देश भर में 300 पत्रकार जेल में थे, 33 पत्रकार विदेशी पत्रकार थे और 6 पत्रकारों को जेल में ही वो मारे गए। तो पत्रकारों का गला घोट दिया गया। पहले समाचार पत्र को कलेक्टर पढ़ेगा, उसके बाद दूसरे दिन उसको जारी करेंगे। सेंसरशिप जिसको बोलते हैं, तो सेंसरशिप लागू कर दिया गया। ये सब करते हुए भी वीसा बंदी ना थके हैं ना हारे हैं, लगातार चलते जा रहे हैं और इस अभियान को चलाते जा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 8,500 में से आज मात्र 1,300 वीसा बंदी जीवित हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो भी वीसा बंदी रहे। 2008 से वीसा बंदियों को सम्मान निधि के रूप में 25,000 रुपये प्रदान किया जा रहा है। शासन ने संपूर्ण भारत भर में मध्य प्रदेश और हरियाणा इन दो स्थानों पर ताम्रपत्र से वीसा बंदियों को नवाजा गया है, सम्मानित किया ताम्रपत्र दे करके। मध्य प्रदेश शासन ने वीसा बंदियों को ताम्रपत्र दिया, वो ताम्रपत्र दे करके उनको सम्मान किया, इसलिए मध्य प्रदेश शासन भी धन्यवाद का पात्र है। बंधुओं, आज के दिन हम सब लोग इस देश में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के बाद प्रजातंत्र पे कोई दोबारा अत्याचार ना हो इसके लिए लगे हैं। एक बात और, कल हम लोग सब ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति जी को दिल्ली में
और प्रत्येक जिले में कलेक्टर के माध्यम से हम ज्ञापन करेंगे। ज्ञापन में केवल एक सूत्र ज्ञापन है कि पश्चिम बंगाल की जो अत्याचारी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है, उनके ऊपर कार्यवाही करते हुए उस सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पश्चिम बंगाल में 85,000 लोग अपने घर बार छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बाहर होने के लिए मजबूर हुए। 32 लोगों की हत्या कर दी गई, 350 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, 450 घरों को आग लगा दी गई है। विरोधियों को किस प्रकार के कुचलना, ये केवल दो व्यक्ति ने किया, एक इंदिरा गांधी ने और ममता बनर्जी ने। इंदिरा गांधी के पदचिन्हों पर चलकर ममता बनर्जी जो काम कर रही है उसके खिलाफ संपूर्ण लोकतंत्र सेनानी संघ और हमारे जितने भी समर्थक सारे के सारे हमारे साथ हैं। कल राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम भी हम करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।